2000 টাকা নোট আর ছাপবে না রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। বাজারে যে 2000 টাকার নোট রয়েছে তা আপাতত বৈধ থাকবে। 2000 টাকার নোট এবারে তুলে নিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং কবে অবধি অর্থাৎ 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈধ থাকবে এই 2000 টাকার নোট। 30 সেপ্টেম্বর তারিখটা মনে রাখতে হবে, 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই 2000 টাকার নোট বৈধ থাকবে, কিন্তু তারপর আর বৈধতা থাকছে না, ততদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এই 2000 টাকার নোট তুলে নিচ্ছে, ইতিমধ্যেই আজকে জানিয়ে দেওয়া হলো। গ্রাহকরা ব্যাংকে 2000 টাকার নোট জমা দিয়ে পরিবর্তে অন্য নোট দিতে পারবেন। এক লপ্তে নতুন করে আর 2000 টাকার নোট কিন্তু ছাপা হবে না, ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন জি বিজনেসের এডিটর অনিল সিং। অনিল জি, 2000 রুপিয়া কা নোট ক্যান্সেল, ইসকে বারে মে আপকা রিয়াকশন। देखिए 2000 के नोट में जो कुछ भी आज फैसला हुआ है वो ये है कि 30 सितंबर तक आप इस नोट का लेन देन आराम से कर सकते हैं। पहले की तरह अगर आपको किसी को पेमेंट करना है करिए, किसी से पेमेंट लेना है लीजिए। अगर आपके पास नोट है और वो नोट आप जाकर बैंक से बदलवाना चाहते हैं तो 20,000 रुपए तक का नोट एक बार में बदल सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार जाकर बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक आप जितना पैसा बैंक में जमा करवाना चाहें, बदलवाने पर लिमिट है 20,000 एक बार में, लेकिन अगर आपको 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना बैंक में डिपॉजिट करना है आप जाकर करिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी आपको अगर पैसा जमा करवाना है तो फिर वो आपको RBI में जाना पड़ेगा। तो हुआ ये है कि इस बार नोटबंदी नहीं हुई है, नोट इलीगल नहीं हुए, नोट बंद नहीं हुए, नोट रिप्लेस हो रहे हैं। और नोटों को रिप्लेस करने का तरीका क्या है, या तो आप छोटे नोट बैंक में जाकर दे दीजिए, बड़े नोट दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, छोटे नोट मिल जाएंगे, या फिर आप उनको अपने अकाउंट में जमा करवा लीजिए। अब होगा ये कि अगर आपके पास नोट सही तरीके से कमाए हुए हैं, आपके पास काला धन नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है और वो पैसा आपका एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से कमाया हुआ है, तब तो आप बैंक में जाकर जमा करवा देंगे और वो नोट वो आपके लिए एकदम ऑफिशियल हो गया। उसके बाद आप वापस अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको छोटे नोट ही मिलने वाले। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ब्लैक मनी बनाया है और पैसा 2000 का नोट रखना आसान है, एक साथ आप ज्यादा रख सकते हैं, और उस वजह से कई लोगों ने 2000 के नोट को होल्डिंग किया, जमा करके रख लिया। अब उनके लिए मुश्किल है कि वो क्या बोलकर बैंक में पैसा जमा करवाएंगे कि ये मेरा कहाँ से पैसा आया है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप कैश डिपोजिट करवाएंगे तो आगे पीछे इंक्वायरी होने का डर तो हमेशा रहेगा ही। सो आई थिंक ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से ये पहला एक्शन है, पहली बात। दूसरा, इसका जो बड़ा पर्पज है करने का वो ये कि जितने ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन है उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। आप देखिए जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम से हो रहे हैं, बिजनेसेस में कैश के ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं, उतना टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सरकार को फॉर्मूला समझ में आ गया कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहा है ना तो सबको मेन इकोनॉमी में ले आओ, कैश की इकोनॉमी को बंद कर दो, कम कर दो। तो दूसरा पर्पज ये कि जितने ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो कम होते जाएंगे, बंद होते जाएंगे, जितने UPI के थ्रू बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू होंगे, जितना बिजनेस एक नंबर में होगा, सरकार के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है और टैक्स कलेक्शन के लिए अच्छा है। तो मैं जो समझता हूँ दो बड़े पर्पज हैं, एक ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए और दूसरा कैश ट्रांजेक्शन को खत्म करके डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए ये सरकार ने किया। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।